नमस्कार दोस्तों। तो चलिए हम लोग बात कर रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग एनसीईआरटी किताबों को देख रहे हैं हम लोग। तो इसमें हम लोग देख चुके हैं कक्षा 6वीं की सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन भाग 1 को खत्म कर चुके हैं पूरी तरह से। हमारा अतीत के नाम से जो कक्षा 6वीं की है उसे भी देख चुके हैं। पृथ्वी हमारा आवास है इसे भी हम लोग खत्म कर चुके हैं। ठीक, अब आज से हम लोग शुरू करेंगे विज्ञान के बारे में, साइंस। याद रखिए हमें कक्षा 6वीं की एनसीईआरटी की 4 किताबें पढ़नी थी, जिनमें से हम लोग 3 खत्म कर चुके हैं। ये आपकी चौथी है विज्ञान। ठीक है, इसके खत्म होने के बाद हम लोग कक्षा 7वीं की बुक्स देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या विज्ञान। ये कक्षा 6वीं के लिए है। विज्ञान में हम लोग देखेंगे, याद रखिए आपकी जितनी भी पीडीएफ होती है सभी वो टेलीग्राम पर डाल देता हूँ। ठीक है, वहां से पढ़ते रहिए जो आपको जरूरी लगे। फिर से मैं यही सलाह दूंगा आपको कि कक्षा 8वीं तक की जो भी आपकी एनसीईआरटी है इन्हें एक कहानी की तरह पढ़िए, एक दो बार आराम से समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये आपका बेस बनाने के लिए है। केवल इसमें ज्यादा कुछ कठिन भाषा नहीं है, बहुत ही सरल शब्दों में लिखे गए हैं। ठीक है, और जो कक्षा 9वीं से 12वीं तक की है वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है, तो उन पर थोड़ा फोकस करके अच्छे से पढ़ना है। इस पाठ पुस्तक के अध्ययन की यात्रा में पहली और बूझो को टीम की टीम सदैव आपके साथ रहेगी। उन्हें प्रश्न पूछना बहुत अधिक पसंद है, बहुत प्रकार के प्रश्न उनके दिमाग में आते हैं। वे उन प्रश्नों को अपनी थैलियों में सजोते हैं। कुछ प्रश्नों को वो भी आपके साथ बांटेंगे जिन्हें आप विभिन्न अध्यायों से में पढ़ेंगे। इसमें यही मतलब है कि आपको एक कहानी की तरह समझाया जाए जिससे आपकी समझ में आ जाए। अब इसमें आप लोगों ने शुरू में 3 किताबें देखी हैं, अगर देखी होंगी आप लोगों ने तो कहानी की तरह बताया गया है। किसी अगर शब्द की परिभाषा भी देनी है तो उसे कहानी की तरह नॉर्मल शब्दों में समझाया गया हमें, जिससे हमें आराम से समझ में आ जाता है। कुछ प्रश्नों के उत्तर पहेली और बूझो भी ढूंढने का प्रयास करेंगे। कभी आप उनकी चर्चा आपकी चर्चा के द्वारा प्रश्नों को उत्तर मिल जाएंगे, कभी अपने सहपाठियों अध्यापकों और अभिभावकों से चर्चा करके उत्तर मिलेंगे। इन सभी के होते हुए भी कुछ प्रश्न ऐसे होंगे जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, उन्हें कुछ प्रयोग स्वयं करने होंगे। पुस्तकालय में किताबें पढ़नी होगी, प्रश्नों को वैज्ञानिकों के पास भेजना होगा, उनके प्रश्नों के उत्तर हेतु यथासंभव प्रयास करेंगे। शायद कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जिन्हें भी अपनी थैलियों में बांधकर बड़ी कक्षाओं में ले जाएंगे। इसमें आप लोग को इसका मतलब है कि आप लोगों को कहानी की तरह समझाया जाएगा। ठीक है, इसमें पहेली और बूझो के द्वारा। अब आपको अगर आपको पता है, अगर हमारे देश में 2 पॉइंट सबको पता चल जाए और उनके अंदर तक की मूल बातें मालूम चल जाए, इसका आखिर मतलब क्या होता है? एक हमारे अधिकार और दूसरा हमारा कर्तव्य, तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ सकता है। क्योंकि हमें अधिकार पता है तो मूल कर्तव्य पता नहीं है, और कर्तव्य पता है तो अधिकार को पता नहीं है। भारत का संविधान भाग 4(1) में आपके नागरिकों के मूल कर्तव्य दिए गए हैं। अनुच्छेद 51(a) में मूल कर्तव्य, भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्था, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे। लेकिन हम लोग भूल जाते हैं, कितने लोग करते हैं, गिने चुने। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में सजोए रखें, उनका पालन करें। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उनके उसे अक्षुण बनाए रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने वाले राष्ट्र की सेवा करें, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। भारत के सभी लोगों में समरसता, सम्मान, समान भातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो। हमारी
सामसिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परीक्षण करें। प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, रक्षा करें, उनकी संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धियों की नई ऊंचाइयों को छू सके। यदि माता पिता या संरक्षक हैं तो 6 वर्ष से 14 वर्ष तक की आयु वाले अपने यथास्थित स्थिति बालक या प्रतिपाल को शिक्षा के अवसर प्रदान करें। तो ये था आपके मूल कर्तव्य। ठीक है, अब है आपकी विषय सूची। क्या है विषय सूची जो हमें इसमें पढ़ना है? इस बुक्स में क्या क्या पढ़ना है? अध्याय एक में हम लोग देखेंगे भोजन यह कहाँ से आता है, भोजन हमें कहाँ से आता है हमारे लिए। ठीक है, अध्याय एक में देखेंगे भोजन यह कहाँ से आता है। अध्याय दो भोजन के घटक देखेंगे, भोजन के जो भी घटक हैं उन्हें देखेंगे हम लोग। अध्याय तीन, तो तीन में देखेंगे तंतु से वस्त्र तक। अध्याय चार में देखेंगे वस्तु के समूह बनाना, वस्तुओं के समूह बनाना। अध्याय पांच में देखेंगे पदार्थों का पृथक्करण, पदार्थों का पृथक्करण। अध्याय छह में देखेंगे हमारे चारों ओर के परिवर्तन, हमारे चारों ओर जो परिवर्तन होते हैं उन्हें देखेंगे। अध्याय सात में देखेंगे पौधों को जानेंगे कि नहीं, पौधों को जानेंगे हम लोग। अध्याय आठ में देखेंगे शरीर में गति के बारे में हम लोग बात करेंगे। अध्याय नौ सजीव विशेषताएं एवं आवास देखेंगे सजीव की। ठीक है, अध्याय दस गति एवं दूरियों का मापन देखेंगे, गति एवं दूरियों का मापन देखेंगे। अध्याय ग्यारह क्या है, प्रकाश छाए छायाएं एवं परावर्तन देखेंगे। आपको बता रहा हूं फिर से कि इसमें ज्यादा टेंशन आपको दिमाग जोर लगाना ही नहीं है, क्योंकि आप एक दो बार सुनेंगे या पढ़ेंगे आराम से आपको समझ में आएगा, जो थोड़ा कठिन है वो समझा देंगे बस खत्म है। अध्याय 12 विद्युत तथा परिपथ। अध्याय 13 चुम्बकों द्वारा मनोरंजन। अध्याय 14 जल। अध्याय 15 हमारे चारों ओर वायु। और अध्याय 16 में कचरा संग्रह एवं निपटान के बारे में देखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे 16 चैप्टर, कितने 16 चैप्टर है हमारे, इन्हें हम लोग देखेंगे। तो चलिए आगे से हम लोग बात करेंगे। पहला अध्याय देखेंगे भोजन यह कहाँ से आता है हमारे लिए, पहला अध्याय होगा हमारा भोजन यह कहाँ से आता है।